आज मैं फर्स्ट ईयर ईजी की एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपको पार्ट 25 लेसन 22 सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक आ केमिकल फर्टिलाइजर, टॉपिक है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जिसको हम K2SO4 कहते हैं, यह कायनाइट पदार्थ से तैयार किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया से भी पोटेशियम सल्फेट तैयार होता है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा 48 से 52% तक होती है रहती है। यह महीन चूर्ण रूप प्राप्त होता है। यह सफेद रवेदार लवण है। यह तुरंत ही पानी में घुलनशील है। अमोनियम सल्फेट की तुलना में इसका सल्फेट धीरे धीरे मुक्त होता है। आलू, तंबाकू व फल वृक्षों में गुणवत्ता एवं उपज बढ़ाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड की अपेक्षा इसका प्रयोग अधिक अच्छा समझा जाता है, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन की अधिक मात्रा आलू के गुणों को खराब कर देती है। इस उर्वरक की संपूर्ण मात्रा बुवाई से पहले भूमि में गहराई पर डालना उपयुक्त रहता है। स्टूडेंट, यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।